अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का शूटर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एजाज लकड़ा को पटना पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने पटना एयरपोर्ट के पास जक्कनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने यह कार्यवाही की है। गिरफ्तारी के बाद एजाज लकड़वाला को पुलिस ने 21 जनवरी तक हिरासत में भेज दिया है। कहा जा रहा है कि एजाज लकड़ावाला को काफी दिनों से पटना के रिहाशी इलाके में रह रहा था, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद शायद यह राज खुल गया कि वह पटना में रह रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इन मामलों की जांच कर रही थी और उसी सिलसिले में उसे कल पटना से अरेस्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद लकड़वाला का छोटा राजन से हाथ मिलाने की वजह से नाराज था। एजाज लकड़वाला मुंबई के सबसे वांछित गैंगस्टरों में शामिल था और कभी छोटा राजन गैंग का मेंबर था। मुंबई और दिल्ली में उस पर 25 मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी वसूली, हत्या और फिरौती वसूलने के मामले शामिल हैं। पुलिस से बचने के लिए लकड़वाला पिछले कई सालों में कभी यूएस, कभी मलेशिया, कभी यूके तो कभी नेपाल में भी रह चुका है। वर्ष 2003 में ऐसी अफवाहें थी कि बैंकॉक में दाऊद गिरोह के हमले में एजाज लकड़वाला का भी मौत हो गई है, लेकिन वह बच गया था और ये बात अफवाह निकली थी। बताया जाता है कि वह बैंकॉक से कनाडा चला गया और पिछले काफी समय से वहीं पर था। आज पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार किया है। कुख्यात गैंगस्टर एजाज लकड़वाला कभी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहता था, फिर देश विदेश में छुपने के बाद एजाज कनाडा में रह रहा था। साल 2003 में एक हमले के बाद वह अस्पताल से फरार हो गया था, जिसके बाद 2004 के दौरान एजाज को कनाडा पुलिस ने उसे ओटावा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने के कुछ दिनों तक उसे जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद वह कई साल तक अंडरग्राउंड रह रहा था, लेकिन फिर साल 2008 में फिरौती के एक मामले में उसका हाथ होने की खबर एजेंसी को मिली थी, मगर तब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था कि वो कहां छुपा है। बंबई सिटी क्राइम ब्रांच की एक उपलब्धि के बारे में आज आपको अवगत कर रहा हूं। एजाज लकड़ावाला नाम का गैंगस्टर जो भारत के बाहर से एक्सटॉर्शन कॉल्स देके बंबई में काफी लोगों को धमकाता था, उसे मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच के अफिसरान ने कल पटना में अरेस्ट किया। आज उसे कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया और 21 जनवरी तक का पुलिस कस्टडी रिमांड इसी केस में प्राप्त किया गया है। वी हैव 25 केसेस इन मुंबई सिटी। वी हैव कॉन्टेक्टेड वेरियस यूनिट्स इन महाराष्ट्र एज वेल एज अदर स्टेट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी केसेस इन ऑल आर देयर, कितने टोटल केसेस है उसकी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। दो केसेस महाराष्ट्र के हमें ऑलरेडी पता चल गए, इसलिए मैंने 27 कहा था, बट बंबई के 25 है। उसकी बेटी को 28 दिसंबर को अरेस्ट किया था। दैट अरेस्ट वॉज फॉर फ्रॉडुलेंट पासपोर्ट, क्योंकि वो सोनिया मनीष अडवाणी ये नाम का पासपोर्ट यूज कर रही थी, जहां की उसका सही नाम आफ्टर हर मैरिज इज शिफा शहीद शेख। क्राइम ब्रांच ये मामले की तथा बाकी के एमसीओसी केसेस इसके खिलाफ जो है उसकी तफ्तीश कई समय से, लंबे अरसे से कर रही थी। इसी कारण इसे ट्रैक किया गया और कल इसकी अरेस्ट हुई। ज्यादा डिटेल्स जो आप चाह रहे हो वो जॉइंट सीपी क्राइम आपको अभी देंगे। आपके सवालात के जवाब जो है वो जॉइंट सीपी क्राइम हिंदी में देंगे। मुंबई शहर साहब ने अभी आपको जानकारी दी कि एजाज यूसुफ लकड़ावाला की बेटी हमारे पास 28 दिसंबर से अरेस्टेड थी, तो उसके इंटरोगेशन में हमको एजाज यूसुफ लकड़ावाला के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। साथ ही में हमारे सोर्सेज के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार हमें इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन थी कि 8 जनवरी 2020 को एजाज यूसुफ लकड़ावाला पटना शहर में
आने की शक्यता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने बिहार पुलिस के सहयोग से कल वहां पर उसका अटकाव किया, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के हिसाब से उसको यहां लेकर आए और मुंबई शहर में कल रात को 10:30 बजे उसको ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है। देखिए, एजाज यूसुफ लकड़ा वाला को पकड़ने के जो प्रयास हैं वो पिछले 6 महीने से बहुत तेज कर दिए गए थे। इस दौरान हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी इधर उधर से मिल रही थी, जिन इन्फॉर्मेशन को हम सेंट्रल एजेंसीज के जरिए से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो कम से कम आप समझें ये 6 महीने से ये सब कार्रवाई चल रही थी, परंतु इस कार्रवाई में तेजी तब आई जब एजाज लकड़ा वाला की लड़की हमारे पास 28 दिसंबर को अरेस्ट हुई। छोटा राजन की टोड़ी से 2008-09 में अलग होने के बाद हमारी जानकारी के अनुसार एजाज यूसुफ लकड़ा वाला जो है वो कनाडा में, मलेशिया में, यूएस में, लंदन में और नेपाल में रहने की हमें जानकारी है, परंतु ये सब जानकारियां जो हैं अब इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म की जाएंगी। ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, ये सब हम इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म करेंगे। वो काफी समय से वांटेड था, जाने पहले इतने दिनों बचे, जब 27 केसेस हैं, इतने दिनों के बाद जो अरेस्ट किया गया, इस दौरान क्या वो पहली बार इंडिया आया है जब से यहाँ से फरार हुआ? अब ये सब बातें इस समय इन चीजों का उत्तर देना संभव नहीं है और इन बातों पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कितनी बार वो इंडिया आया, क्या उसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे, क्या था, इन सब चीजों के उत्तर हमको इन्वेस्टिगेशन में मिलेंगे। सी, ही यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दाऊद इब्राहिम गैंग अंडर छोटा राजन। व्हेन छोटा राजन सेपरेटेड फ्रॉम दाऊद इब्राहिम, ही वाज आल्सो अगेन विद छोटा राजन एंड देन समवेयर इन 2008-2009 ही बिकेम इंडिपेंडेंट। सो इट इज लाइकली दैट वी मे गेट सम इम्पोर्टेंट इनपुट्स अबाउट द ओरिजिनल गैंग। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये सब शेयर करना इस स्टेज पर हमारे लिए उचित नहीं होगा, परंतु इन सब चीजों पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, एजाज यूसुफ लकड़ा वाला की हमारी जानकारी के अनुसार बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। रह नहीं रहा था वहां पर, हमें वो उपलब्ध हुआ है। काफी सारे बिजनेसमैन रिलेटेड ही होते हैं, बिकॉज एक्सटॉर्शन कॉल्स होते हैं, आप समझते हैं, ये नॉर्मली बिजनेसमैन रिलेटेड ही होते हैं सारे मैटर्स। फिल्मी पर्सनालिटी की हमारी जानकारी में इस समय ऐसा नहीं है। आप कुछ 5 मिनट इसके बाद पूछने वाले थे, somebody asked me very specifically, ये पहले कुछ पूछ रहे थे। यही मैटर है क्या दोनों का? नो, यू वॉन्टेड टू आस्क समथिंग एल्स? And that is coming from Home Ministry itself. I am aware. So, sir, the free Kashmir issue is. इस पर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तब आपको इत्तला जरूर होगी, इसमें मेरा टिप्पणी करना या कुछ कहना उचित नहीं। यही से सवाल थी तभी। यही यदि सवाल था तो ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।